चलिए आज हम देखेंगे वेल्डर की लाइव क्लास में, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, तो लाइव सेट हम कैसे मारेंगे इसके बारे में पहले जान लीजिए। सबसे पहले जो भी छात्र जुड़ जाएंगे वो क्या करेंगे, या तो वो OMR शीट निकाल लीजिए या आप एक कॉपी पे 1 से 25, आज हम 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो 1 से ले कर 25 तक नंबरिंग कर लीजिए। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको जो आंसर लगे, 4 ऑप्शन है जैसे A B C D, एक ऑप्शन आपको टिक करना है और लास्ट में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी सही हो गलत हो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जो भी छात्र जुड़े हैं और नए छात्र जुड़े हैं वो OMR सीट लेके ही बैठे, क्योंकि आज हम 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इसको इसका जो आंसर है वो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, जिससे आप फिर टिक करके मिलान करके और आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो भी छात्र जुड़ेंगे OMR या कॉपी में नंबरिंग करके ही बैठेंगे क्योंकि हम 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है वो बताना है। पहला ऑप्शन है केमिकल एनालिसिस, दूसरा है कोरिजन टेस्ट, तीसरा है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, चौथा है मैकेनिकल टेस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट में इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है उसके बारे में बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, जैसे आप कैसे टिक कीजिएगा वो भी हम बता देते हैं। जैसे लिख लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए और 1 का मान के चलिए ए आंसर है, 2 का बी आंसर है, 3 का सी है, 4 का डी है, इस तरह से आप पहले टिक कर लीजिए, फिर हम 25 क्वेश्चन का लास्ट में आपको आंसर दे देंगे। उसके बाद आप मिला लीजिएगा कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आपको जो भी सही हो गलत हो उसको आप बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग हैज डन ऑन डैश मेटल इन द स्टार्टिंग, यानी कह रहा है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में किस धातु पर किया जाता है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो है किस धातु पर किया जाता है ये पूछ रहा है। पहला है एल्यूमिनियम एलॉय, दूसरा मैग्नीज एलॉय, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है कॉपर एलॉय, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है सही है, आप उसको टिक कर लीजिए। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कह रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव आर जेनरेटेड बाई डैश विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ कह रहा है अल्ट्रासोनिक तरंग किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। किस तरंग में अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है, जेनरेट बाई, अब यहां बताना है। 4 ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट, 2 है मैग्नेटिक इफेक्ट, सी है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी है थर्मल इफेक्ट। 4 ऑप्शन में से एक सही है, आप इसको टिक कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द आइडियल वे या मेथड टू वेल्ड द हैवी पाइप, यानी कह रहा है हैवी पाइप मतलब भारी पाइपों को वेल्ड करने का आइडियल यानी आदर्श तरीका क्या है, ठीक है। आइडियल वे मेथड क्या है, आदर्श तरीका क्या है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन वेल्डिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी वेल्डिंग जब हम करेंगे नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप। बी ऑप्शन है वेल्डिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, यानी अपोजिट हो गया। सी वेल्डिंग फ्रॉम एनी साइड, यानी किसी और किसी भी प्रकार से किसी भी साइड से कर सकते हैं। डी ऑप्शन है वेल्डिंग फ्रॉम मिड टू एनी साइड, यानी मध्य से। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो आप टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉक डे फ्रॉम द क्रैक इन डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, क्या कह रहा है डाई प्रवेश परीक्षण में दरार यानी क्रैक जो डाई को भिगोता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है। पहला ऑप्शन फ्लोरोसेंट लिक्विड, फ्लोरोसेंट लिक्विड, दूसरा है डेवलपर, तीसरा है ऑयल और चौथा सिरेमिक। ये 4 में से 1 ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्डिंग ऑफ फिक्स्ड पाइप डन इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, यानी किस स्थिति में पाइप की वेल्डिंग की जा सकती है, कह रहा है कि
इस स्थिति में कोई निश्चित स्थिति है जिसमें पाइप को वेल्डिंग करना है, तो ओवरहेडेड, वर्टिकल, हॉल्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी कौन सी पोजीशन होना चाहिए पाइप को वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए अब सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप ऑफ बियर आर, यानी बीड, यानी मनके का प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है, बीड जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैट एंड कन्वर्स, दूसरा है कन्वेक्स एंड कॉनकेव, तीसरा है फ्लैट कन्वेक्स एंड कॉनकेव, चौथा है कन्वेक्स कन्केव एंड वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इसका भी टिक कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएटर डेवलप्स इन ए वेल्डिंग ज्वाइंट, वेल्डिंग ज्वाइंट को विकसित किया जा सकता है, विकसित होते हैं किस प्रकार से, किस कारण से, वो बताना है। पहला ऑप्शन है ड्यू टू लैक ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल की कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल की कमी के कारण, ड्यू टू एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल की अधिकता के कारण, ड्यू टू एक्सेस ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल की अधिकता कारण, तो किस कारण से ये होता है इसके बारे में बताना है, आप इसको आंसर टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे नौ नंबर क्वेश्चन की। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सुटेबल रीजन ऑफ जेनरेटिंग क्रैक, जेनरेटिंग क्रैक मतलब दरार पैदा करने के लिए कौन सा उपयुक्त कारण नहीं है, नॉट ए सुटेबल रीजन ऑफ जेनरेटिंग क्रैक, मतलब जेनरेटिंग क्रैक का एक कारण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ फेल्यूट वेल्ड मेटल, ठीक है, फेल्टी वेल्ड मेटल, थोड़ा सा कुछ मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, चलिए बी नंबर पढ़ते हैं, लीक ऑफ फ्यूजन, सी है लेस हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोड, डी है इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक क्लिक कर लीजिए। अब बात करेंगे दस नंबर क्वेश्चन की। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन एज एन एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, कह रहा है थर्मिट वेल्डिंग का एडवांटेज बताना है, यानी लाभ, ठीक है, कभी भी किसी भी कोई काम होता है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होता है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, थर्मिट वेल्डिंग का एडवांटेज पूछ रहा है, यानी लाभ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ईजी वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है फ्लक्स एंड इनर्ट गैस डोंट इनिशियल, यानी इसमें जरूरत नहीं होता है, सी है ऑक्सीडेशन ऑफ वर्क पीस डज नॉट प्रजेंट, यानी वर्क पीस पर ऑक्सीकरण का जरूरत नहीं होता है, डी ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, ड्यू टू डैश मेनी होल आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, यानी कह रहा है किस कारण डैश, कारण डैश एक धातु की सतह पर कई छेद बन जाते हैं, जैसे देखिएगा धातु की सतह पर बहुत सारे छेद बन जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लो होल इफेक्ट, ये चीज के इसके बारे में हम बढ़िया से बताए थे, बी है सरफेस पोरोसिटी डिफेक्ट, सी है सरफेस स्पैटर डिफेक्ट, डी है स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन ए कास्ट आयरन वर्कपीस, वर्कपीस किसका है, कास्ट आयरन का, डिपेड इन वाटर आफ्टर वेल्डिंग बाय गैस मेथड, यानी कह रहा है जब गैस विधि द्वारा वेल्डिंग करने के बाद एक कच्चा लोहा वर्कपीस पानी में डुबाया जाए तो क्या होगा, यानी कच्चा लोहा का वर्कपीस जो है वेल्डिंग करने के बाद पानी में डुबा देते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन क्रैक विल जनरेट इन बीड, यानी मनके में क्रैक उत्पन्न हो सकता है, मतलब जो पार्ट है बी, ज्वाइंट विल बी ए ब्रिटल, यानी भंगूर हो सकता है, सी ए और बी दोनों, और डी स्पैटरिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पर बिखर स्पैटर हो जाएगा, ठीक है, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको क्लिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है डैश डिफेक्ट में बी जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोड इंक्लाइंड लेस देन 70 डिग्री फ्रॉम द वेल्डिंग लाइन, यानी कह रहा है किस वेल्डिंग लाइन से 70 डिग्री कम इलेक्ट्रोड झुकाव के कारण दोष हो जाता है, यानी 70 डिग्री से कम हो झुकाव, इलेक्ट्रोड का अगर झुकाव 70 डिग्री से कम होगा तो दोष उत्पन्न होगा, किस कारण से, तो ओवरऑल अनइवन बेड, डिस्टॉर्टेड ज्वाइंट या अंडरकट, किस कारण से हो जाता है ये उसको बताना है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है स्क्वायर शेप होल मीन्स आर्ट कॉल, यानी स्क्वायर शेप यानी चौकोर आकार के होल यानी खोखले
साधन को क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं, सेशन कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? जो हमारा इस तरह से जो बनेगा, ये खोखला है, ठीक है, ये मान के चलिए ये भरा हुआ है, और ये हमारा बीच में होल बना हुआ है, ये बीच में होल बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? पाइप बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं बोलते। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल ऑफ हार्ड फेसिंग इन MIG वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग कठिन में कठिन सामना करने के लिए कौन सा आवश्यक है? पहला है डायरेक्ट करेंट सिंगल फेज पावर सोर्स, यानी करेंट देंगे सिंगल फेज का। बी अल्टरनेटिव करेंट सिंगल फेज पावर, यानी AC करेंट देंगे सिंगल फेज में। और सी लो ए आर्क करेंट, लो आर्क करेंट देंगे। और डी ए और बी, इनमें से जो भी आंसर है आप टिक कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन का हम लास्ट में आंसर बताने वाले हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। जो भी नए छात्र जुड़े हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर करें, इस टेस्ट को दें और अपना स्कोर जरूर बताएं। इनर्ट गैस सिलेंडर आर पेटेंट बाय, यानी निष्क्रिय गैस सिलेंडर किसके द्वारा चित्र किया जाता है? उसका कलर बताना है, इनर्ट गैस का सिलेंडर का कलर बताना है। व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर या ग्रीन कलर? बहुत आसान क्वेश्चन, इसको जल्द से बता दीजिए, बताइए नहीं आप उसमें टिक कर लीजिए OMR में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक दबाव पोत से संबंधित है? ठीक है, पहला है सेफ ऑपरेशन, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर और डॉट डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से चार एक में से एक ऑप्शन सही है, आप इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रिक्शन वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर डैश वेल्डिंग, यानी फ्रिक्शन वेल्डिंग मतलब घर्षण वेल्डिंग जो है उपयुक्त होता है, अच्छा होता है किस किस लिए? रेक्टेंगुलर जॉब यानी आयताकार जॉब के लिए, सर्कुलर जॉब यानी वृत्ताकार जॉब के लिए, ट्रेंगुलर यानी त्रिकोणमितीय, और इरेगुलर मतलब अनियमित। किसके लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग अच्छा होता है वो बताना है, तो आप इसको एक टिक कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान होगा, इस पर जो ये जो जॉब का पार्ट है ना, इस पर हैमर से प्रहार कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टेस्ट शो इन द फिगर, यानी इसको फिगर को पहचानना है कौन सा टेस्ट हो रहा है इस पर। तो फेज्योर टेस्ट, फ्री बेंड टेस्ट, टेंसिल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इस चार में से एक टेस्ट है, इसको आप टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन नॉट बी वेल्ड बाई AC वेल्डिंग मशीन इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में AC वेल्डिंग मशीन द्वारा किस धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। कास्ट आयरन, माइल्ड आयरन, एल्युमिनियम या हाई कार्बन स्टील, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट लेट एक्सेस द एक्सरे थॉट इज सेल्फ, यानी कौन सी धातु स्वयं के माध्यम से एक्सरे किरण को पार नहीं करती है? तो एक्सरे किरण को पार कौन सी धातु नहीं करेगी? टीन या लेड यानी सीसा, जिंक या कॉपर, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनिट हेल्प्स टू क्रिएट एन आर्क इन टिग वेल्डिंग मेथड, यानी कौन सी इकाई टिग वेल्डिंग मेथड में चाप यानी आर्क बनाने में मदद करता है? हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट, इलेक्ट्रोड, आर्गन सिलेंडर या प्रोटेक्टिव यूनिट, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बट वेल्ड ज्वाइंट फेल यानी खराब आफ्टर नेक ब्रेक टेस्ट, नाइक ब्रेक टेस्ट के बाद फेल हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज डिफेक्ट इन वेल्डिंग ज्वाइंट, तो कौन सा दोष होगा? स्लैग इनक्लूजन एंड गैस पॉकेट, बी है पोरोसिटी एंड लीक फ्यूजन, गैस पॉकेट एंड पोरोसिटी और डी है ऑल ऑफ दी, चार में से एक ऑप्शन सही, आप इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, विच इज द स्टेप ऑफ रिमूव अंडर कट इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में अंडर कट को हटाने के लिए कौन सा काम करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे वो बताना है। ए है यूजिंग बॉटरिंग रन, बी है रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ वेल्डिंग, सी है प्री हीटिंग ऑफ वेल्डिंग सीट और डी है रेस्ट ऑफ सम सेकेंड एट द एंड ऑफ वेल्डिंग। देखिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पोस्ट करके आप क्वेश्चन को
रोक करके पढ़ के बढ़िया से आंसर दीजिए, ठीक है। आप बाद में भी आप बता सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको सेट मार सकते हैं और बताइए कि स्कोर कितना हुआ। ईमानदारी से बताइएगा, सही सही बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं कि इधर उधर से देख के बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे नहीं। आप ईमानदारी से बताइए कि आपको कितना आता है, आपको पता चलेगा कि 25 क्वेश्चन में से कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितना सही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लाइव टेस्ट लेकर आए हैं और इसी तरह से रेगुलर टेस्ट चलेगा, ठीक है। एक दो क्लास, एक एक दो बीच करके रेगुलर चलेगा। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोड सक्सेसफुली अप्लाइड इन इलेक्ट्रोड निगेटिविटी प्रोसिटी इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नकारात्मक ध्रुवीय विद्युतीयता पर निम्न में से किस इलेक्ट्रोड को सफलतापूर्वक अपील किया जाता है, मतलब अप्लाइड, यहाँ पे कुछ मिसिंग था, अप्लाइड होना चाहिए, LID होना चाहिए, अप्लाइड अपील करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, बी है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, सी है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और डी है नॉन फेरस इलेक्ट्रोड। चार में से एक ऑप्शन सही है, आप इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। अब बात रहे ऑप्शन की, सॉरी आंसर की, तो हम आंसर आपको बता रहे हैं। आप सभी आदमी OMR पे चले जाइए, अब हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर है जो कि 25 क्वेश्चन का आंसर है। चलिए मिलाना शुरू करते हैं, एक का डी, दो का सी, तीन का सी, चार का ए, पाँच का बी, छः का डी, सात का सी, आठ का ए, नौ का सी, दस का डी, ग्यारह बी, बारह सी, तेरह डी, चौदह सी, पंद्रह डी, सोलह सी, सत्रह डी, अट्ठारह बी, उन्नीस बी, बीस सी, इक्कीस बी, बाईस ए, तेईस डी, चौबीस बी, पच्चीस ए। ये 25 क्वेश्चन का हम आपको बता दिए हैं, इसमें से अगर कुछ मिस हो, कुछ गलत हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इरर हो जाता है टाइपिंग में, तो हमने बहुत सारा ध्यान भी दिया है, बट अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताएं। और आपका स्कोर क्या रहा वो भी बताएं, क्योंकि स्कोर अगर आप बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आप लोग का मतलब रेशियो कितना जा रहा है। और इसी तरह से हम रेगुलर टेस्ट लेके आते रहेंगे, तो आप लोग कंपटीशन टारगेट क्लास को बने रहें, और जो नए छात्र इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि इसी तरह का रेगुलर टेस्ट लेके आएंगे। अब रेगुलर हम टेस्ट कराएंगे फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का और वेल्डर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी छात्र नए जुड़े हैं अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जो पुराने छात्र हैं वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ये आंसर हो गया और इसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो आप जितने भी छात्र हैं इसको टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें और टेस्ट दें, और अपना पूरा स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी तरह से हम रेगुलर टेस्ट लेके आएंगे। और टेस्ट जब देखिए, जब आपका स्कोर पता हमें चल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हम आपका रिजल्ट भी बता सकते हैं कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया और इस अनुसार से किसका कितना स्कोर आया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में स्कोर बताएं अपना टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद, और लाइक करें, शेयर करें। लाइक शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, वेल्डर का हो या फिटर का हो या इलेक्ट्रीशियन का हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, पर हम इसको ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।